नमस्कार दर्शकों, आप सभी का दिव्य हिमाचल टीवी में बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वंशिता शर्मा। पेश है आप सभी के लिए आज का न्यूज बुलेटिन। आइए शुरुआत करें मेन हेडलाइंस के साथ। शिमला में अफसरों को फटकार, ऊना में जेओए 817 का मुद्दा लेकर पहुंचे युवाओं को नहीं दी एंट्री। व्यवसायिक गैस सिलेंडर 100 रुपए महंगा, नए वित्त वर्ष में दूसरी बार बढ़े दाम। नालागढ़ में ऊर्जा मंत्री को दिखाए काले झंडे, लोगों ने लगाए गो बैक के नारे। जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह के निर्देश, बरसात में प्रदेश के सभी जल शक्ति कर्मी नहीं करेंगे छुट्टी। सूखे की चपेट में आए प्रदेश के 800 गांव, नहीं मिल रहा 2 घूंट पानी, अब लगेंगे हैंडपंप। ऊना में नशा माफिया पर पुलिस का शिकंजा, नशे के सामान के साथ 6 लोग चढ़े हत्थे। सराज विधानसभा क्षेत्र के 17 स्कूलों का बढ़ गया दर्जा, शिमला से सीएम ने दी सौगात। अब समाचार विस्तार से। HPMC लाई है सस्ते दामों पर शुद्ध उत्पाद सिर्फ आपके लिए, जो कि रोग प्रतिरोध क्षमता को बढ़ाएगा, हर जन को स्वस्थ बनाएगा। स्वस्थ हिमाचल HPMC का उद्देश्य। प्रदेश भर में आज जयराम सरकार के महत्वाकांक्षी कार्यक्रम जनमंच का आयोजन हुआ। इस दौरान ज्यादातर समस्याओं का मौके पर ही निपटारा कर दिया गया। हालांकि शिमला में अफसरों के कार्यक्रम में ना पहुंचने और ऊना में जेओए 817 के अभ्यर्थियों को एंट्री ना मिलने का विवाद जरूर सामने आया। प्रदेश भर में रविवार को आयोजित जनमंच कार्यक्रम में 684 शिकायतें सामने आई हैं। इनमें से अधिकांश शिकायतों का मौके पर ही निपटारा कर दिया है। ऊना जिला में सबसे अधिक 110 जबकि बिलासपुर में सबसे कम 33 शिकायतें सामने आई हैं। इनमें से ज्यादातर शिकायतें बिजली, पानी, बेरोजगारी, सड़क और स्वास्थ्य से जुड़ी हुई हैं। वहीं शिमला के भट्टा कुफर फल मंडी में आयोजित जन अधिकारियों के मौजूद न होने पर मंत्री सुरेश भारद्वाज भड़क गए और उन्होंने उपायुक्त को गैर हाजिर अधिकारियों को नोटिस भेजने के निर्देश दे दिए। उधर ऊना जिला के हरोली विधानसभा क्षेत्र के दुलैहड़ में आयोजित हुए जनमंच कार्यक्रम में लंबे समय से जेओए आईटी 817 के परिणाम ही राह देख रहे युवा भी पहुंचे। ये युवा मंत्री महोदय के सामने अपनी समस्या रख पाते, इससे पहले ही इन्हें जनमंच से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। अधिकारियों का कहना है कि ये समस्या जनमंच में नहीं सुनी जा सकती। सारा के अभ्यर्थी है तो हमारा जो रिटर्न का और टाइपिंग का हो गया है, हमारे टाइपिंग का रिजल्ट नहीं निकाल रहे, तो हम माननीय वीरेंद्र कंवर जी के पास आए थे कि सरकार इसमें देखे, हमारे मैटर को समझे और जो हमारे 19,000 फैमिलीज हैं जिनका इन्होंने टाइपिंग का टेस्ट दिया हुआ है उनका राह दे, ताकि हम जल्द से जल्द रोजगार हम लोगों को मिल सके। बट जनमंच में आए थे तो इन्होंने कहा कि जनमंच में हमारी ये शिकायत नहीं सुनी जा सकती, पर अगर जनमंच में नहीं हमारी शिकायत सुनी जाएगी तो हम कहाँ जाएँ, मंत्रियों के घर पर जाएँ, वहाँ कोई नहीं मिलता। हम लोग पिछली बार जो चुरू में लोहारली पुल के उद्घाटन के समय माननीय मुख्यमंत्री साहब आए थे, वहाँ भी उनसे मिले थे, उनको भी ज्ञापन दिया। हम 2 साल से बिल्कुल परेशान हैं युवा, हम तो ये कह रहे हैं जा तो हमें नौकरी दो, जा जहर दो, हम लोग इतने परेशान हैं। तो हम आप मीडिया बंधु को भी ये रिक्वेस्ट करते हैं कि आप हमारे मैटर को जल्द से जल्द और जितना ज़्यादा हो सके उठाएँ, ताकि हम लोगों को इंसाफ मिल सके। देश में बढ़ रही महंगाई से आम जनमानस परेशान है। सीमेंट, सरिया से लेकर डीजल, पेट्रोल और गैस सिलेंडर के दाम बढ़ने से लोगों की मुश्किलें भी बढ़ रही हैं। अब कमर्शियल सिलेंडर के दाम एक बार फिर बढ़ाए गए हैं। ऐसे में अब रेस्टोरेंट में खाना महंगा हो सकता है। नए वित्त वर्ष में दूसरी बार व्यावसायिक गैस सिलेंडर के दाम में बढ़ोतरी की गई है। व्यावसायिक गैस सिलेंडर के दाम में 100 रुपए की बढ़ोतरी होने से इसकी कीमत 2,450 रुपए तक पहुंच गई है। इससे पहले अप्रैल में 19 किलो व्यावसायिक रसोई गैस LPG की कीमत में 250 रुपए प्रति सिलेंडर की बढ़ोतरी की गई थी। प्रदेश में व्यावसायिक गैस सिलेंडर की कीमत अब 2,450 रुपए पहुंच गई है, जबकि शिमला में व्यावसायिक गैस सिलेंडर 2,533 रुपए का मिलेगा। हालांकि घरेलू गैस सिलेंडर के दामों में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है। कमर्शियल सिलेंडर के दाम बढ़ने से रेस्टोरेंट में खाना और महंगा हो जाएगा। इसके अलावा इसका असर
अन्य चीजों के उत्पादन पर भी पड़ेगा। आए दिन बढ़ रही महंगाई से जनता पर आर्थिक बोझ बढ़ रहा है। जहां मकान बनाने के लिए निर्माण सामग्री के दामों में बढ़ोतरी हो रही है, वहीं गैस सिलेंडरों के दाम में बढ़ोतरी होने से खाने की चीजों के दाम में भी बढ़ोतरी होगी। आए दिन बढ़ रही महंगाई ने जनता की दिक्कतें बढ़ा दी हैं। 1 मई को प्रदेश भर के सभी जिलों में जनमंच का आयोजन किया गया। इस दौरान जिला सोलन के दभोटा में आयोजित जनमंच में हिस्सा लेने पहुंचे ऊर्जा मंत्री सुखराम चौधरी को लोगों के गुस्से का सामना करना पड़ा। दरअसल यहां देवभूमि क्षत्रिय संगठन और देवभूमि सवर्ण संगठन के कार्यकर्ता कार्यक्रम स्थल के नजदीक पहुँच गए और उन्होंने जमकर नारेबाजी की। हिमाचल प्रदेश के ऊर्जा मंत्री सुखराम चौधरी को नालागढ़ दौरे के दौरान देवभूमि क्षत्रिय संगठन के कार्यकर्ताओं के विरोध का सामना करना पड़ा। दरअसल ऊर्जा मंत्री सुखराम चौधरी रविवार को नालागढ़ विधानसभा क्षेत्र के दभोटा में जनमंच कार्यक्रम की अध्यक्षता करने पहुंचे थे। तभी कार्यक्रम स्थल के रास्ते में देवभूमि क्षत्रिय संगठन के करीब 2 दर्जन कार्यकर्ताओं ने उन्हें काले झंडे दिखाए और गो बैक के नारे लगाए। हालांकि इस दौरान डीएसपी नालागढ़ की अगुवाई में पुलिस ने सवर्ण संगठन के कार्यकर्ताओं को रोकने का प्रयास भी किया, लेकिन सवर्ण संगठन के कार्यकर्ताओं ने एक न सुनी और आयोजन स्थल के करीब नारेबाजी करते रहे। बता दें कि बीते दिनों की गई देवभूमि क्षत्रिय संगठन के अध्यक्ष रुमित ठाकुर व अन्य कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी को लेकर कार्यकर्ताओं में सरकार के खिलाफ खासा रोष है। इसको लेकर सवर्ण संगठन के कार्यकर्ता जगह जगह विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इसके अलावा कार्यकर्ता लगातार सामान्य वर्ग आयोग की मांग कर रहे हैं। इसी कड़ी में रविवार को ऊर्जा मंत्री को सवर्ण समाज के कार्यकर्ताओं के रोष का सामना करना पड़ा। जो सवर्ण समाज को इस सरकार ने और इस दूसरे जो विपक्ष में बैठे हुए सब ने नकारा है और हमारे ऊपर दमनकारी नीति अपनाई है। हमारे योद्धाओं को 24 दिन जेल में रखा है। हम अपनी जायज मांग मांगते हैं, स्वर्ण तो हमारा आयोग बनना चाहिए, स्वर्ण आयोग मांग हमारी। लेकिन हम किसी दूसरे समाज के आयोग बने हैं, उनके बारे में हमें कोई सरोकार नहीं। हमारा स्वर्ण समाज ही बनना चाहिए। स्वर्ण एकता जिंदाबाद। लोगों को शुद्ध पेयजल मिले, इसको लेकर जल शक्ति विभाग हर संभव प्रयास कर रहा है। बरसात में बारिश, बाढ़ और भूस्खलन के कारण पानी की पाइपें क्षतिग्रस्त हो जाती हैं। ऐसे में उनकी समय पर मरम्मत हो, इसको लेकर प्रदेश सरकार ने विशेष योजना बनाई है। इसके अनुसार जल शक्ति कर्मियों को अवकाश नहीं दिया जाएगा। ये बात जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर ने कही। पेश है ये रिपोर्ट। बरसात के मौसम में प्रदेश के जल शक्ति विभाग के कर्मियों को छुट्टी नहीं मिलेगी। जनता की सेवा के लिए उन्हें तत्पर तैयार रहना होगा। बरसात से पहले सभी पेयजल सिंचाई योजनाओं की विभाग के अधिकारी मॉनिटरिंग करेंगे। जहां जहां पर भी लाइनें क्षतिग्रस्त हैं, उनकी तुरंत मरम्मत करनी होगी। कुल्लू सहित प्रदेश के जल शक्ति विभाग के कर्मियों को यह निर्देश जल शक्ति मंत्री, राजस्व एवं बागवानी मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर ने जिला कुल्लू के दोहरा नाला में आयोजित जनमंच के दौरान दिए। उन्होंने कहा कि बरसात के मौसम में जल शक्ति विभाग के फीटर सुपरवाइजर, JESDO, XCN, SC सभी को जनता की सेवा के लिए फील्ड में रहना होगा। यही नहीं, विभाग के अधिकारी समय रहते सभी सोर्सेज का निरीक्षण करेंगे। जहां जहां पर भी लाइनें खराब हैं या अन्य कारणों से पानी की सप्लाई रुक रही है, उन्हें तुरंत ठीक किया जाएगा, ताकि बरसात में लोगों को पानी की किल्लत ना हो। अरसे से बारिश न होने से प्रदेश में जल संकट गहराने लगा है। इसको देखते हुए जल शक्ति विभाग ने ऐसे सूखाग्रस्त गांव खोज निकाले हैं जहां लोगों को पीने के लिए पानी नहीं मिल रहा है। विभाग ने सरकार को रिपोर्ट सौंप दी है। यदि जल्द बारिश न हुई तो ऐसे गांव में हैंडपंप लगाए जाएंगे। प्रदेश के 800 गांवों में पानी पूरी तरह से सूख चुका है। यहां पेयजल स्रोत सूख चुके हैं और अब लोगों के पास पीने के लिए पानी नहीं बचा है। इन इलाकों की खोज जल शक्ति विभाग ने की है और इसकी रिपोर्ट राज्य सरकार को सौंप दी है। अब सूखे के संकट से जूझ रहे प्रदेश के इन इलाकों में जल शक्ति विभाग 800 हैंड पंप लगाएगा। विभाग ने डिवीजन स्तर पर अधिकारियों को ऐसे इलाकों की रिपोर्ट तैयार करने के आदेश जारी किए हैं जहां पेयजल या सिंचाई का कोई दूसरा माध्यम नहीं है। इन जगहों के चयन के बाद अब जल शक्ति विभाग के डिवीजन स्तर के अधिकारी उपायुक्त को हैंड पंप लगाने की रिपोर्ट सौंपेंगे। यह रिपोर्ट बाद में प्रदेश सरकार और जल शक्ति विभाग के पास आएगी। इसके साथ ही हैंडपंप लगाने का काम शुरू कर दिया जाएगा। फिलहाल प्रदेश में फरवरी महीने के बाद बारिश नहीं हुई है। गर्मी अधिक होने की वजह से पेयजल स्रोत सूख गए हैं और कई इलाके गंभीर सूखे के संकट में हैं।
पिछले 24 घंटे के दौरान विभाग को फील्ड से मिली रिपोर्ट के मुताबिक प्रदेश भर में इस समय 800 ऐसी जगहें हैं जहां पानी बिल्कुल भी नहीं है और पेयजल आपूर्ति के लिए ग्रामीणों को कोसों दूर जाना पड़ रहा है। प्रदेश भर में नशा माफिया पर लगाम कसने के लिए पुलिस ने विशेष मुहिम छेड़ी हुई है। ऐसे में आए दिन नशा तस्कर पुलिस के हत्थे भी चढ़ रहे हैं। इन दिनों जिला ऊना में नशे के सौदागरों पर पुलिस कार्रवाई का चाबुक जमकर चला रही है। जिला ऊना में 5 अलग अलग मामलों में कार्रवाई करते हुए पुलिस ने नशे के सामान के साथ 6 लोगों को हिरासत में लिया है। पहले मामले में पुलिस थाना ऊना की टीम ने झलेड़ा में एक ट्रक चालक से 5 किलो 174 ग्राम चूरा पोस्त बरामद किया है, जिसके लिए पुलिस ने ट्रक चालक के खिलाफ मादक द्रव्य अधिनियम के तहत मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। इसके अलावा हरोली पुलिस ने 3 अलग अलग मामलों में 14.62 ग्राम चिट्टे के साथ 4 युवाओं को अरेस्ट किया है। उनके खिलाफ NDPS एक्ट के तहत मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी गई है। पकड़े गए 2 युवक जिला के साथ ही लगते पंजाब के कस्बा नंगल के रहने वाले हैं, जबकि तीसरा युवक गांव तनोह व चौथा गांव राजली बनियाला तहसील बंगाणा का रहने वाला है। पुलिस द्वारा ये कार्रवाई जिला के गांव सिंगा बाथड़ी व कांगड़ गांव में अमल में लाई गई। SHO हरोली सन्नी गुलेरिया ने बताया कि चिट्टे के साथ गिरफ्तार किए गए आरोपियों को कोर्ट में पेश करके रिमांड पर लिया जाएगा। वहीं टहलीवाल पुलिस ने गोंदपुर बुल्ला में एक बुलेरो गाड़ी से अवैध शराब की 12 बोतलें बरामद की हैं। इसके आबकारी एवं कराधान अधिनियम के तहत मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। SP अर्जित सेन ठाकुर ने बताया कि पुलिस ने इस संबंध में बोलेवाल गांव के एक युवक के खिलाफ मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। हरोली उपमंडल में पिछले कल चिट्टे के 3 मुकदमे दर्ज हुए, जिसमें लगभग 14 ग्राम के चिट्टा बरामद हुआ है, जिसमें 4 लोग गिरफ्तार हुए हैं। तो ऊना पुलिस का अभियान जो चिट्टा माफिया है और जो भुक्की जो लोग बेच रहे हैं उनके खिलाफ जारी है, और हम जनता से उम्मीद करते हैं कि वो भी इस अभियान में हमारा साथ दे। सर, जिस तरह से हरोली विधानसभा क्षेत्र की बात की जाए, पंजाब के साथ सटा हुआ, तो कहीं ना कहीं चिट्टा जो है वो लगातार इस तरह के मामले कर रहे हैं, तो पुलिस किस तरह के प्रयास जो है वो आगे? हमारा इसमें अंतर्राज्यीय कोऑर्डिनेशन का भी प्रयास रहता है, और हम जो पंजाब पुलिस है उससे भी हम लगातार संपर्क में हैं, और जो भी हमारे जितने भी मुकदमे दर्ज होते हैं उसमें फॉरवर्ड लिंकेजेस और बैकवर्ड लिंकेजेस का हम ध्यान रखते हैं। साथ में हम इसमें कोशिश करेंगे कि अगर ये चिट्टा पंजाब से आया हुआ है तो वहाँ भी हम रेड करेंगे। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने मंडी जिला के सराज विधानसभा क्षेत्र को वर्चुअल माध्यम से नए तोहफे दिए हैं। इस दौरान CM ने सर्वोन्नत किए गए 17 विद्यालयों का शुभारंभ किया। वहीं CM ने कहा कि विधानसभा क्षेत्र के 120 संस्थानों में सौर ऊर्जा पैनल स्थापित किए जाएंगे। पेश है ये रिपोर्ट। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने रविवार को शिमला से वर्चुअल माध्यम से मंडी जिला के सराज विधानसभा क्षेत्र में सरोन्नत किए गए 17 विद्यालयों का शुभ आरंभ किया। इनमें राजकीय प्राथमिक पाठशाला से राजकीय माध्यमिक पाठशाला में सरोन्नत किए गए विद्यालय सुरांगी, काऊ, कांडी, कोठड़ा और मझांड शामिल हैं, जबकि राजकीय माध्यमिक पाठशाला से राजकीय उच्च पाठशाला में सरोन्नत किए गए स्कूलों में झौट, शालागाड़, बाहवा, रैनगलू, कल्हाणी और नारायण वन तथा राजकीय उच्च पाठशाला से राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला में सरोन्नत किए गए स्कूलों में धरोड़धार, माणी, सैरी बटवाड़ा, बागी भनवास, सुधराणी, लाम साफड़ और चपलांदी धार शामिल हैं। मुख्यमंत्री ने सभी स्तरोन्नत विद्यालयों में आयोजित कार्यक्रमों को संबोधित करते हुए क्षेत्रवासियों को बधाई देते हुए कहा कि इससे विद्यार्थियों की पाठशाला आने जाने की समस्या के समाधान के साथ साथ उन्हें सुविधा भी प्राप्त होगी। उन्होंने कहा कि सभी स्तरोन्नत विद्यालयों में आवश्यकता अनुसार अतिरिक्त भवनों का निर्माण किया जाएगा। CM ने कहा कि वित्त वर्ष 2022-23 के बजट में 50 राजकीय महाविद्यालयों, 50 विद्यालयों और 20 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में सौर ऊर्जा पैनल सिस्टम स्थापित किए जाने का प्रावधान किया गया है। और अब चलते चलते ऊना की बनगढ़ जेल में कैदी ने जेल वार्डन पर बोला हमला, 7 कर्मचारियों ने बचाया। भिंडरावाला समर्थकों पर कार्रवाई करने वाले पुलिस जवानों को करेंगे सम्मानित, परवानू में बोले ATFI के राष्ट्रीय अध्यक्ष वीरेश शांडिल्य। शिमला में मौसम ने बदली करवट, देर शाम को घंटों जारी रहा बारिश, ओलावृष्टि का दौर।
जांसकर घाटी पर्यटकों के लिए बहाल 16,500 फुट ऊंचे दर्रे का कर सकेंगे दीदार। आज के न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही, बने रहिए दिव्य हिमाचल टीवी के साथ।